नमस्कार दोस्तों, हम लोग इडुटेरिया के द्वारा निकाला गया समान अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 139 एवं 140 देखेंगे। हर एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर देखें, काफ़ी फायदा करेगा एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरे के खनन के लिए। क्या है? हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल दो। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, और प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो पीसी महलनोबिस मॉडल पर नहीं, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। क्या? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। आंसर हो जाएगा बी। दृश्य मदों के आयात निर्यात का अंतर कहलाता है। दृश्य मदों के आयात निर्यात का अंतर कहलाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, व्यापार संतुलन। क्या है? व्यापार संतुलन। कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था, ये गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है, ये भी गलत है। जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को किया गया था, और इसका जो लेखा वर्ष जो है वो अप्रैल मार्च है, ये जो है वो स्टेटमेंट गलत है। तो ये दोनों गलत है, तो ना तो वन और ना तो दो हो जाएगा, डी हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011-12। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1974 ईस्वी में। करेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? करेवा मिट्टी, और इसका जवाब हो जाएगा सी, हिमानी निक्षेप। क्या है? हिमानी निक्षेप। अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलियस की घटना किस स्तर से संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, आयन मंडल से। क्या है? आयन मंडल से। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ है, और इसका जवाब हो जाएगा सी, कार्बोनिफेरस से जुरैसिक काल। कार्बोनिफेरस से जुरैसिक काल। भारत में विश्व की मैग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है? भारत में विश्व की मैग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, 3% है। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि, लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वनाच्छादन होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वनाच्छादन होना चाहिए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल भूमि का 1/3 भाग। उपयुक्त विकल्पों में से कौन सही सही सुमेलित नहीं है? कौन जो है वो सही सही सुमेलित नहीं है? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में सही है। सत्य शोधक समाज के 1873 ईस्वी में सही है। तत्वोधिनी सभा का 1839 ईस्वी में ये सही है। बेलोर मठ जो है 1885 में ये गलत है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में हुआ है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक भाषा में है और अर्धमागधी लिपि में है। प्राकृतिक भाषा एवं अर्धमागधी लिपि में। प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से किसके दरबारी थे? प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से किसके दरबारी थे, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कनिष्क के। मिताक्षरा किस विषय पर आधारित है? मिताक्षरा, सही जवाब हो जाएगा डी, हिंदू विधि संहिता। हिंदू विधि संहिता से। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? फिरदौसी सिलसिला जो है वो शेख बहरुद्दीन के सुमेलित है। सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य सुमेलित है। बौल संप्रदाय जो है वो दादूदयाल, ये गलत है। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के अध्यक्ष थे, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया, इस कमेटी के अध्यक्ष थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? बताना है इनमें से कि कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। कालिंजर का युद्ध 1545 ईस्वी में सही है। पुरंदर का युद्ध 1665 ईस्वी में सही है।
सखरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में, ये भी सही है। पोर्टोनोवा का युद्ध 1785 ईस्वी में, ये जो है वो गलत है। 19 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे, भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एमएन रॉय। भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में है, भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में स्थित है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था? सीआर फार्मूला तो ये बनाए थे राजगोपालाचारी ने। दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं मिली? दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं मिली? इसका जवाब हो जाएगा रास बिहारी बोस को। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल। निम्न में से किसके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया? किसके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदुल्ला। किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, केशवानंद भारती बाद। निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? और इसका देखते हैं कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा धन विधेयक, किसी अन्य राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाला विधेयक, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता हो। ये चारों जो है वो पहले राष्ट्रपति से पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 38 में। संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। भारत के संचित निधि के भारतीय खर्च पर, भारत के संचित निधि के भारतीय खर्च पे जो हो जाएगा, संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं कर सकते। भारतीय संविधान के लिए गए स्रोतों में से सही उगम जो है वो क्या है? तो संविधान संशोधन जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची लिया गया, सही है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव, केवल बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? कौन है जो संघ सूची का विषय नहीं है? तो वन और शिक्षा जो है वो संघ सूची का विषय नहीं है, हो जाएगा आंसर सी। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? और इसका जवाब हो जाएगा 1976 ईस्वी में। कब है? 1976 ईस्वी में। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन। कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ऑक्सीजन। डीएनए, डीएनए की रचना दो चेनों द्वारा होती है, ये दोनों चेने निम्न में से किस बंध द्वारा जुड़ा रहता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन बंध द्वारा। निम्नलिखित को घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करे? और इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थैतिक सर्पी और लोटनिक। स्थैतिक सर्पी और लोटनिक। निम्न में से कौन ग्रेमिनी कुल का पौधा है? ग्रेमिनी कुल का जो है वो पौधा है, तो मक्का भी है, गन्ना भी है, बांस भी है, बाजरा भी है, ये सभी है। भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे, भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक फिश जो है वो मछली है? कौन एक फिश जो है वो मछली है? और इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो आंसर होगा सी, गिटार फिश। कौन हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है? कौन हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, यकृत। किस जीव का रक्त जो है वो सफेद होता है? व्हाइट ब्लड होता है। आंसर होगा तिलचट्टा का। टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड, तो वो है आंत को। आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है, तो वो कहलाता है एक्टिनाइड। टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, और ये मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए
बी हो जाएगा। तुलसी के महत्व हो जाएगा सी फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड। शक्ति का विमीय सूत्र होता है और इसका आंसर हो जाएगा ML²T-3। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये सी एक और दो दोनों सही। आनंद के माई धरणी पुस्तक किनकी कृति है? माई धरणी पुस्तक किनकी कृति है? वैज्ञानिक नाम है फाइकस ब्रिज। इस ब्रिज का वैज्ञानिक नाम रहेगा सी बरगद का। इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SLC कहाँ स्थित है? इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SLC कहाँ स्थित है? अब इसका सही जवाब रहेगा सी मध्य। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 140 के प्रश्न। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? कौन सा जो है वो गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी मजदूरों का संरक्षण। क्या है? मजदूरों का संरक्षण। की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए वित्त आयोग। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी भारत के महान्यायवादी। कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? सही जवाब हो जाएगा ए फास्फोरिक अम्ल। इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कौन सा पदार्थ प्रोटीन तो वो है कपास। ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? कौन जो है वो नहीं है? हाइड्रोजन सल्फाइड बिल्कुल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी है, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी है, नाइट्रिक अम्ल जो है वो नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन ए कुश्ती। कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। जो बल पृथ्वी का अंतिम भाग घटित होते हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर घटित होते हैं उसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, ये भी गलत है। आंसर जो हो जाएगा न तो एक और ना ही दो जो है वो सही है। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? और इसका जवाब हो जाएगा ए जलोढ़ मिट्टी। कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। आंसर हो जाएगा डी पंपास। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी निम्न में से कहाँ अवस्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी नागपुर। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? ग्रीन आर्मी इसका जवाब हो जाएगा कहाँ तो ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं तो मुख्य होते हैं कौन तो फाइटोप्लैंकटॉन्स। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है या पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए का यू आकार का। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी और इसका जवाब हो जाएगा डी सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सी। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? आंसर हो जाएगा डी अल्तुतमिश। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? और इसका मूल उद्देश्य था वो था विश्व बंधुत्व। क्या है? विश्व बंधुत्व। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी बदरुद्दीन तैयब जी थे। निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा? रवीन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? और इसका आंसर हो जाएगा ए कविताओं का। क्या है? कविताओं का।
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? और इसका आंसर तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों के सहयोग से कहाँ की गई थी? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी कलकत्ता। पूरा पाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए भीमबेटका। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? नियोजित विकास का विरोध किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ए महात्मा गांधी। हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है के लेखक कौन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए स्टीवन लेविट्स्की। क्या है? स्टीवन लेविट्स्की। भूकंप में एक एस वेव या द्वितीयक तरंग केवल यात्रा कर सकती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी ठोस सामग्री। क्या है? ठोस सामग्री। किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है? किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी लेमिनेरिया। क्या है? लेमिनेरिया। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी यूरेनियम विधि। म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल के। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए HCl। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका निष्कर्षण विद्युत अवघटन विधि से नहीं होता है? विद्युत अवघटन विधि से नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी AG का। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है? और इसका जवाब हो जाएगा यकृत में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से या मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? जंतुओं का कौन सा समूह है जो विशेष रूप से या मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इकाइनोडर्मेटा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो है वो नहीं है, तो वो है कौन सा? केंद्रिका फेलिक फोंटाना सही है, पुनरावर्तन सिद्धांत अंस्टर हाइकल सही है, पेनिसिलिन अल्थेर फ्लेमिंग गलत है, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ये सही है। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी सरकारी आयोग पर। 36 नंबर का जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा था। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा विषय शामिल है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा, वन और परिवार नियोजन। डी जो हो जाएगा वो सही होगा। राज्यपाल के संबंध में क्या सही है? राज्यपाल के संबंध में क्या सही है? तो वह विधानमंडल का अंग होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी सही है। वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो ये देखते हैं कि कौन सा सही। नागालैंड की स्थापना 1963 में सही है, गोवा का 1987 में सही है, सिक्किम 1974 में ये जो है वो गलत है, मिजोरम 1987 में सही है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी, यह कथन किसने और किसे संबोधित कर रहा था? और इसका आंसर हो जाएगा भारत सचिव लॉर्ड मॉर्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को। ए हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजार से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी मसाला बॉन्ड। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? और इसका जवाब हो जाएगा ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्रम। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर यानी सर्विस टैक्स लागू किया गया? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी राजा चेलैया समिति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता की थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी रहमतुल्ला एम सियानी ने। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ
मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था? आंसर होगा बी, महादेव देसाई ने। भारत के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया? सही जवाब हो जाएगा डी, रोहतांग दर्रा। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा डी, संघाई है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आरोही या बढ़ते क्रम में कौन है? आंसर हो जाएगा सी, शेखपुरा, शिवहर, अरवल, उसके बाद लखीसराय। आंसर हो जाएगा सी। ये था इडुटेरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।